So hey guys, welcome back to my YouTube channel again. As you all know, my name is Himanshu and I am working as a clerk in PNB. तो काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो आ रही है और उसके भी रीज़न्स हैं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और थोड़े पर्सनल इश्यूज़ थे लाइफ में, तो वो सॉर्ट आउट हो गए हैं अब. तब ये आज मेरा SBIPO का प्रीलिम्स एग्ज़ाम था 20th of December, फर्स्ट शिफ्ट. तो उसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं. तो यार बेसिकली जो था इंग्लिश सेक्शन जो था वो था कुछ क्वेश्चन इजी, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट और कुछ रियली टफ. और मैथ्स में भी सेम ऐसे ही था कि आपने अगर क्वेश्चन पिक कर लिए इजी तो निकल हो जाएगा, मतलब उसमें अच्छे अटेम्प्ट्स हो जाएंगे. मतलब उसमें ऐसे थे कि काफ़ी क्वेश्चंस बहुत ही मॉडरेट थे और काफ़ी क्वेश्चन थे बिल्कुल ईजी, जो जैसे अप्रॉक्सीमेशन बिल्कुल ईजी थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ईजी थी, बाकी DI में थोड़े कैलकुलेटिव थी और रीजनिंग में भी ऐसा ही. तो मतलब ये ओवरऑल पेपर ऐसा था कि बिल्कुल हलवा पेपर नहीं था जैसे IBPS PO का था प्री का. SBIPO का ये था कि अगर आपने क्वेश्चन सही से पिक किया, आप किसी में फंस गए तो फंस गए, नहीं फंसे तो आपका निकल जाना है. तो मैं अपने अटैम्प्ट्स बता देता हूँ. सबसे पहले इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट्स हैं 20, मैथ्स में भी 20 और रीजनिंग में मेरे 22 हैं. तो एक एक करके इनका एक बार मैं रिव्यू देता हूँ. तो जैसे इंग्लिश जो था वो ठीक था, मतलब जैसे उसमें मैंने एरर्स बिल्कुल नहीं किए, एरर्स नहीं थे. एरर्स का एक और मॉडिफाई करके जैसे होता है ना कि तीन सेंटेंस दे दिए उसमें, अब तीनों में से बताओ कि कौन सा एरर फ्री है, मतलब कौन सा करेक्ट है ग्रामेटिकली. तो वो तीन में से फिर उसमें ऑप्शन थे ओनली ए ओनली बी, तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग था. मैंने नहीं किया वो क्योंकि मैं श्योर रखना चाह रहा था, तो मैंने नहीं वो अपना 50-50 चांस लिया उसमें, मैंने 5 के 5 छोड़ दिए. फिर उसके बाद जो था वर्ड स्वैप था, जो ABC वर्ड जो होते हैं आपस में यूज़ होते हैं, इंटरचेंज हुए होते हैं, वो थे 5 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन, वो ईजी थे. उसके बाद आर्ट क्वेश्चन, आर्ट की एक वो थी क्लोज टेस्ट था, वो काफ़ी मॉडरेट था. मतलब उसमें ऐसा नहीं था कि इजी सा वर्ड, काफ़ी उसमें फ्रेजेस यूज हो रखे थे सेंटेंसेस में ही, पास्ट प्रेजेंट के, मतलब काफ़ी वो थोड़ा टिपिकल था. आर्ट क्वेश्चन उसके थे और क्या क्या था उसमें, एरर्स बता दिए. एंड फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे, हाँ वर्ड यूजेज पे थे 4 क्वेश्चन, वो भी ईजी थे, डुएबल थे, वो भी हो गए थे. और उसके बाद एक जो था, मतलब जो वो वर्ड यूज उसमें जो थे वो जो RC के अंदर जो वर्ड्स यूज थे, एक तो था कॉर्पोरेट और दूसरा जो था वो था ड्रिवन. इन दोनों के मीनिंग और अपोजिट मीनिंग पूछे हुए थे, एक का अपोजिट और एक का सिनोनिम. और फिर उसके बाद जो था लास्ट में, मैंने 3 क्वेश्चन कौन से किए थे, हाँ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन थे 4 या 5. तो ऐसा ओवरऑल था. अगर आपने इजी क्वेश्चन किए हों जो आपको श्योर हो 100% जिसमें, तो वो आपने किए हैं तो पेपर ठीक था. अदरवाइज आप उसमें फंसे हो एरर्स में, जैसे अगर कोई फंसा या फिर RC में कुछ क्वेश्चन इजी कुछ क्वेश्चन मॉडरेट. तो 20 अटैम्प्ट मेरे इसमें इंग्लिश में. उसके बाद जो था मैथ्स क्वेश्चन में जो थे अरिथमेटिक के काफ़ी क्वेश्चन ईजी लग रहे थे मेरे को कि हाँ ये क्वेश्चन ड्यूएबल है, तो मैंने पहले स्किप करता गया उनको क्योंकि मैं पहले DI करता हूँ उसके बाद ये अर्थमेटिक और स्पीड मैथ्स. तो वहीं गड़बड़ हो गई. DI जैसे ही गया मैं, पहली जो DI थी वो पाई चार्ट पे थी, 7200 यूनिट्स थे, 5 प्रोडक्ट थे ABCDE और वो काफ़ी मतलब ऐसे कैलकुलेटिव थी, जैसे वो डिजिट में 0, 5, 0, 10, 0 जैसे वो नहीं, सिंपल डिजिट्स नहीं थी, तो काफ़ी वैसे कैलकुलेटिव थी. तो वो क्वेश्चन किए 5, 6 क्वेश्चन थे उसमें से मैंने 5 किए. उसके बाद 7-8 मिनट लगी वो DI मेरी, फिर मैं थोड़ा घबराया, फिर मैंने देखा कि अप्रोक्सीमेशन आई हुई 2 मिनट, हार्डली 2 मिनट लगे होंगे, 1.5 मिनट में ही वो अप्रोक्सीमेशन के 6 क्वेश्चन हो गए थे. फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसमें एक थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग थी, बाकी 5 इजी थी. वहाँ से DI वो क्वाड्रेटिक करी, फिर लास्ट में जो टाइम बचा फिर मैंने दूसरी DI देखी जो थी पाई चार्ट और टेबल वाली. उसमें थे कि शर्ट्स दी हुई थी 2 कॉटन और लाइनन की, उसके मतलब उसके डाटा गिवन था. तो उसमें भी एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा फंसाने वाला था, वो मैंने छोड़ा, बाकी के 4 या 5 क्वेश्चन किए. तो 20 मेरे अटेम्प्ट्स उसमें थे मैथ्स में, और उसमें मैं अर्थमेटिक तक जाता था. एक क्वेश्चन मेरा हो भी गया था, आंसर भी आ गया था, मैं मार्क नहीं कर पाया, टाइम अप हो गया वो DI की वजह से, क्योंकि DI में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था मैंने. और फिर इसमें मेरे अटेम्प्ट्स 20 हैं. और उसके बाद रीजनिंग में आते हैं. रीजनिंग में आते ही सबसे पहले मैंने किए मिसलिनियस क्वेश्चन, सिलॉग्स थे 3 या 4 सिलॉग्स थे, 3 और 4 इनइक्वालिटीज थी, वो 4-4 क्वेश्चन करें. कोडिंग डिकोडिंग नहीं आई हुई थी. उसके बाद मैं गया फिर वो करने के बाद, हाँ फिर मैंने करे पज़ल. पज़ल थी 5 पर्सन, एक पज़ल थी 5 पर्सन की, जिसमें 5 पर्सन थे और उसमें 5 सिटीज़ थी और मंडे टू फ्राइडे उनकी कुछ गिवन थे कि कौन कब सिटी में गया, तो वो डूएबल था, वो किया. उसके बाद दूसरा पज़ल किया जो था 12 या 10 थे, 10 या 12 पर्सन थे, 26 और 5 डेट थी,
और उसमें वही पर्सन एक एक ही वो थी उसमें, ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं थे, एक ही वेरिएबल था वो क्वेश्चन क्या। उसके बाद करा एक अनसर्टेन पजल, उसमें शायद मेरा 9 आंसर आ रहा था अनसर्टेन का, बताना ठीक है कि नहीं है कमेंट में, अगर आप में से किसी का शिफ्ट में हो तो 9 मेरा उसमें आ रहा था, 3 क्वेश्चन उसके थे पजल के। ये करने के बाद उसके बाद मेरे पास टाइम बचा नहीं था ज़्यादा, फिर मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन पिक किए, फिर बाकी के जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन थे एग्जैक्टली तो मेरे को याद भी नहीं आ रहा कौन कौन से थे, जैसे एक एक दो दो नंबर वाले, ब्लड रिलेशन नहीं था, बाकी और कोई मिसलेनियस नहीं था, वो एक एक दो दो वाले होते हैं ना जो छोटे छोटे, वो थे प्रिस्क्राइब जो वर्ड था उसका, एंड वो पूछा हुआ था बैकवर्ड और फॉरवर्ड, और ए ई आई डी करके वर्ड फॉर्म करना था, वो कोई वर्ड फॉर्म ही नहीं हो रहा था, तो मैंने वाई मार्क किया। सिटिंग अरेंजमेंट पजल जो थी वो मैंने स्किप की, हो सकती थी डुएबल थी क्या पता, लेकिन मैंने करी नहीं वो, दो वो छोड़े और 3 मार्क का वो अपना डायरेक्शन सेंस जो थी वो छोड़ी। मेरे 22 अटैम्प्ट हैं टोटल, मेरे 62 अटैम्प्ट हैं, लेट्स सी क्या होता है, पता नहीं, मैंने अभी रिव्यू भी नहीं देखा और लोगों का पूछा भी नहीं कितने क्या उनके अटैम्प्ट थे, क्योंकि मैं अपने हिसाब से मैं श्योर वो हूँ, सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा पेपर ठीक हुआ है जितनी मैंने तैयारी की हुई थी, क्योंकि जॉब के साथ साथ तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, टाइम ही नहीं मिलता, तो मैंने जितना भी किया आई एम सेटिस्फाइड। और आप लोग बताना आपके कितने अटैम्प्ट हैं इस शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट जो थी आज की, और जो भी शिफ्ट है जितने भी अटैम्प्ट हैं बताना कमेंट सेक्शन में, और बस यही, लेट्स होप कि प्री निकल जाए और मेंस देते हैं।